आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि गायत्री शक्ति क्या है, उसमें ताकत कितनी है। देखिए, शक्ति गायत्री एक ही है और उसका प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए करने पर नाम और रूप में भिन्नता आ जाती है और ऐसा भ्रम होने लगता है कि वे एक दूसरे से पृथक तो नहीं है। विचारवान जानते हैं कि बिजली एक ही है, उद्देश्यों और प्रयोगों की भिन्नता के कारण उनके नाम और रूप में अंतर आता है और पृथकता होने जैसा आभास मिलता है। तत्वदर्शी इस पृथकता में भी एकता का अनुभव करते हैं। भारतवर्ष के लोगों को गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा रही है। वेदों, पुराणों और समस्त शास्त्रों में जिस पावनी शक्ति की महिमा गाई गई है और जिसके जप को महान जप कहा गया है, जिसे देव मंत्र, सविता मंत्र, महामंत्र और गुरु मंत्र कहा गया है, उस मंत्र, उस शक्ति का नाम गायत्री है। भगवान की शरण में जाने की इच्छा रखने वाला साधक, भक्त और अध्यात्म से जुड़े हुए अन्य लोग गायत्री की उपेक्षा नहीं कर सकते। गायत्री की उपेक्षा करने का मतलब है कि जो पाना था उसे वंचित रह गए। हजारों लाखों वर्षों से हमारा देश श्रद्धा भावना के साथ गायत्री मंत्र का जाप करता रहा है। तो गायत्री शक्ति है क्या? यह वह शक्ति है जिसके विषय में बड़े बड़े महान पुरुषों ने आदर पूर्वक सिर झुका कर यह कह दिया है कि यदि गायत्री एक और है तो उसकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई शक्ति नहीं है। गायत्री भी एक प्रकार की ईश्वरीय चेतना है। वह नारी है न नर, फिर भी शास्त्रों में उसे जननी और माता कहकर ही संबोधित किया गया है। तो सीधी बात है, कौतूहल होगा। गायत्री महाशक्ति के स्वरूप और रहस्य को समझने के बाद इस विभेद का अंतर स्पष्ट समझ में आ जाएगा। वैसे जो उस महाशक्ति की उपासना मानकर भी उस महाशक्ति से लाभान्वित हो सकते हैं, उसमें ना तो कुछ हानि है और ना तो कोई दोष है। माता स्वरूप मानकर गायत्री उपासना कुछ सरल अवश्य हो जाती है, इसलिए शास्त्रकार ने उस आदि शक्ति को माता का स्वरूप दे दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर समस्त भारतवर्ष को चलाने वाला एक ही मंत्र है। उनका कहना था एक ही शक्ति है, सबसे सरल और एक ही श्वास में जिसका उच्चारण किया जा सकता है, वह महामंत्र गायत्री मंत्र है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा है कि गायत्री की शक्ति यदि है तो फिर किसी और की आवश्यकता नहीं, तो मेघ को साध लो, कल्याण हो जाएगा। मनुष्य के जीवन को एक नई जिंदगी संजीवनी देने वाली प्रार्थना का नाम गायत्री प्रार्थना है। सपने अपने अपने मत दिए हैं और मत भी कमाल के हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को उपदेश के प्रसंग में कहा है कि मेरी शक्ति तो केवल गायत्री है, इसलिए हे राम, मैं तुम्हें केवल गायत्री का ही उपदेश दे सकता हूँ। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कहा है कि तीनों लोगों को जीतने वाली शक्ति एक ही है। तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सभी वेदों का सार 24 अक्षरों वाला गायत्री ही वह शक्ति है जिसके जप करते हुए मनुष्य अनेक पीड़ाओं और दुखों के बीच मुस्कुराता रह सकता है। आदि शंकराचार्य ने भी कहा है कि मैंने अपनी साधना में अनुभव किया है कि गायत्री मंत्र की साधना करने वाला व्यक्ति 40 प्रकार की शक्तियों से युक्त हो जाता है। तो गायत्री महामंत्र भारतीय तत्वज्ञान और अध्यात्म विद्या के मूलभूत आधार हैं। तो भारतीय धर्म में प्रचलित उपासना पद्धतियों में सर्वोत्तम गायत्री ही है, उसे अनादि माना गया है। देवता, ऋषि, मनीषी उसका अवलंबन लेकर आत्मिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और इसी आधार पर उन्हें स्मृतियां, सिद्धियां और विभूतियां उपलब्ध की हैं। हमारा प्राचीन इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है और इस गौरव गरिमा का श्रेय हमारे पूर्व पुरुषों द्वारा उपार्जित आत्मशक्ति को ही कहा गया है। कहना नहीं हुआ कि सदैव उपार्जन में गायत्री महामंत्र का एक सर्वोत्तम स्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय वैज्ञानिकों का चिंतन है, मतलब भारतीय चिंतकों का कहना है कि हर मनुष्य के मस्तिष्क में ज्ञान तंतु जहाँ जाकर जुड़ते हैं उन बिंदियों की संख्या 24 है।
तथा इंसान के अंदर 24 मर्मस्थल हैं, जहां मनुष्य अनेक प्रकार की संवेदनाओं का अनुभव करता है। गायत्री मंत्र में भी 24 ही अक्षर हैं। कहा गया है कि जब भी कोई इस मंत्र का पाठ करता है तो अनेक प्रकार की संवेदनाएं इस मंत्र के द्वारा होती है, और वो संवेदनाएं मंत्र के द्वारा होती हुई व्यक्ति के मस्तिष्क को पवित्र करती है। इवन जर्मन वैज्ञानिकों का मानना है, और वे कहते हैं कि स्वर कंपन की गणना करने वाले यंत्र में पुरुषों की आवाज में 175 प्रकार के, महिलाओं और बच्चों की आवाज में 225 प्रकार के तथा कोयल के पंचम स्वर में 500 प्रकार के कंपन पाए गए हैं। दक्षिण भारतीय विद्वानों द्वारा विधि पूर्वक किए गए गायत्री पाठ के कंपनों की उसी यंत्र पर जब गणना की गई तो ज्ञात हुआ कि इस मंत्र में 700 प्रकार के कंपन हैं। तो उनका कहना है कि अद्भुत शक्ति है और उसके स्पंदन मानव के सारे शरीर और मस्तिष्क पर असर करते हैं। आयुर्वेद के भी अपने विचार हैं। पुराणों में गायत्री महाशक्ति का निरूपण ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में हुआ है। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म पत्नी, अर्धांगिनी अर्थात क्षमता। पौराणिक उपाख्यान के अनुसार अलंकार यह है कि ब्रह्मा जी की दो पत्नियां थी, एक गायत्री और दूसरी सावित्री। गायत्री अर्थात चेतन जगत में काम करने वाली शक्ति। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आविष्कार और उपकरण सावित्री शक्ति के अनुकंपा का ही प्रतीक है, जो दूसरी पत्नी थी। और गायत्री वह शक्ति है जो प्राणियों के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, विशेषताओं और महत्ताओं के रूप में परिलक्षित होती है। भारतीय तत्वदर्शियों ने इसे ब्रह्म चेतना की सत्ता चिर अतीत में ही जान ली और उस शक्ति के मानव जीवन में उपयोग करने की प्रक्रिया का एक व्यवस्थित विधान बनाकर मानव प्राणी के नगण्य अस्तित्व को इतनी महत्तम स्थिति में परिणत किया है जिसका स्वयं तक ब्रह्मभूत हो सके। आयुर्वेद में पता है क्या कहा गया है? आयुर्वेद के विद्वानों ने भी गायत्री की महिमा का वर्णन किया है। चरक संहिता आयुर्वेद का महान ग्रंथ है। चरक ऋषि ने इस ग्रंथ में लिखा है कि मैं कायाकल्प करने का तरीका बता रहा हूं। मेरी दवाइयों पर दुनिया विश्वास करती है तो उन्हें मेरे इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करे, गऊओं को चराए और गौ के दूध का सेवन करता रहे और एक साल पूरा होते ही जब 3 दिन रह जाए तो 3 दिन का उपवास रखे, भूखा रहे और गायत्री का जाप करता रहे, उसके बाद आंवले के पेड़ पर चढ़कर जितने आंवले वो खा लेगा उतने साल की उसकी आयु बढ़ जाएगी। यही है जो कहा गया है। तो गायत्री ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस विज्ञान का नाम अध्यात्म रखा गया है। अगण्य दृष्टिकोचर होने वाला अनु आत्मा जिस प्रक्रिया का अवलंबन करने से बिहू बन सके, नर से नारायण के रूप में विकसित हो सके, परमात्मा बन सके, उस विद्या का नाम अध्यात्म आत्मा ब्रह्म विद्या रखा गया है। और ब्रह्म अपने आप में दृष्टा मात्र होता है। गायत्री का सबसे बड़ा जो गुण है जिसके ऊपर गायत्री शब्द ही रखा गया है वो है गय। गायत्री किसे कहते हैं? गय। गय कहते हैं प्राण को संस्कृत में। तो प्राण को मजबूत बनाने वाली, प्राण को ताकत देने वाली, प्राण का त्राण करने वाली को गायत्री मंत्र कहते हैं। प्राण किसे कहते हैं? प्राण कहते हैं बेटे को, हिम्मत को, प्राण को, जीवट को, और प्राण कहते हैं सांस को। तो दुनिया में जितने भी उन्नतिशील व्यक्ति हुए हैं सब आदमी के पास कोई ना कोई गुण रहा होगा, चाहे नहीं रहा होगा। विद्या रही है चाहे नहीं रहा हो, शारीरिक बल रहा हो चाहे नहीं रहा हो, पर एक चीज जरूर रही है, अच्छे कामों के लिए साहस। तो वही है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्स वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही है। तो गायत्री मंत्र मनुष्य के अंदर प्रसुप्त मेघा प्रज्ञा रितंबरा बुद्धि को जागृत करती है। जिस व्यक्ति की रितंबरा बुद्धि जागृत हो जाती है
वो आत्मा का मालिक स्वयं बन जाता है, वो अपना मालिक स्वयं बन जाता है और उसके सारे संकल्प पूरे होने लग जाते हैं। एक ही मंत्र में प्रार्थना भी हो, कीर्तन भी हो और साथ में उपासना भी हो तो ऐसा और कोई मंत्र दिखाई देता नहीं है। इसलिए इस मंत्र को तीन वेदों में देखा गया है। तीनों वेदों में एक ही मंत्र की पुनरावृत्ति है, तो इसका अर्थ क्या है? साधारण मंत्र नहीं है ये, जप पद्धतियों में यह सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।